ओके यस सर लाइट्स, कैमरा एक्शन गुड मॉर्निंग यस सर कुछ समझ में आ रहा है कि जरा पक्का सर हम क्या पढ़ रहे yes. आवाज नहीं रही क्या चल रहा है सर डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन नंबर वन क्लोज नंबर सी क्या बोलता है सर कि केस क्या बोला सर इन केस अगर कंसिडरेशन नहीं भी है क्या बोला सर कंसिडरेशन नहीं भी है सुना लास्ट में गेट बंद कर तो नहीं होना अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो क्या होगा बेटा सप्लाय होगा अरे क्या होगा मालिक सप्लाय होगा और सप्लाई है तो क्या लगेगा सर जीएसटी पर सप्लाई के स्कोप में केवल वही ट्रांजेक्शन आएंगे विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर वन विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर वन ओके बच्चा यहां तक क्लियर आपको देन नाउ शेड्यूल नंबर वन इधर इधर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस वेर आईटीसी इज बीन अवेल्ड सेकेंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पायर पर्सेंट हुई रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंग दिया है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा हाँ अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो हमने जो गिफ्ट दिया वो दिया सेवेंटी थाउजेंड रुपये का दिया बेटा एक ही गिफ्ट था वो सेवनटी का था बेटा तो पूरे सेवेंटी में जीएसटी लगेगा बेटा सेकेंड थिंग अगर मान लो मल्टीपल गिफ्ट थे क्या था बेटा जैसे एक बार दस हजार का गिफ्ट दिया फिर पांच हजार का दिया फिर फिफ्टीन का दिया फिर ट्वेंटी का दिया तो जिस दिन फिफ्टी पूरे हो जाएंगे वहां तक एग्जिम फिफ्टी के बाद जो आप लोग गिफ्ट उस पर टैक्स लग जाएगा मतलब मल्टीपल गिफ्ट हुए तो फिफ्टी तक का एग्जाम रहेगा फिफ्टी से क्रॉस किया तो उस पर टैक्स लगेगा सिंगल गिफ्ट अगर क्रॉस सिंगल गिफ्ट क्रॉस रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तो पूरे पे जीएसटी लगेगा पर सुनो बच्चों अब तक इस पर कोई क्लैरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है बेटा ये मैंने अपना इंटरप्रिटेशन बताया आपको बच्चों ओके okay? अब तक कोई डिस्प्यूट हुआ नहीं कोई जजमेंट आया नहीं कोई क्लियरिटी है नहीं पर मैंने अपना इंटरप्रिटेशन आपको समझाया विच इज करेक्ट अरे क्लियर डन ये हमने पढ़ा था क्या पैरा नंबर टू आइए पैरा नंबर सी की बात कर लेते हैं बच्चों हम पैरा नंबर थ्री की बात कर लेते हैं बच्चों सरकार ध्यान इधर सप्लाई ऑफ गुड्स क्या बोला सर आवाज यारी हुई सप्लाई ऑफ गुड्स बायर्सन बायसिपल टू हिज एजेंट चलो सुनना सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिस्स एजेंट वेयरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और इसी में एक पार्ट वाइस ऑफर साई गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल

ओके okay, अब ध्यान मेरी तरफ ओके okay, सर सर मस्त एग्जांपल दू आपको बेटा अच्छा से पढ़ाऊ बेटा मैं आपको मजा आएगा जीवन में अच्छा है बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं सर लास्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं जीएसटी बेटा तू किसको पढ़ा रहा है जीएसटी सर इधर ध्यान ओके 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 बस बस कंट्रोल नहीं नहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करो बेटा मान लो सर मैं बात कंटिन्यू करता हूं हम पढ़ रहे क्या हम पढ़ रहे क्या जीएसटी इधर ध्यान बच्चों जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन सर जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सर सर ओ भाई मैं मैं बोल रहा हूँ ना सर ध्यान मेरी तरफ मेरी तरफ नजर मेरी तरफ सर जीएसटी से टैक्स ऑन आवाज वो एनर्जी नहीं आ रही सर जीएसटी से टैक्स ऑन सर ध्यान बेटा ट्रांजेक्शन होगा तो जीएसटी लगेगा ना यार जीएसटी से टैक्स ऑन इसलिए आपको जीएसटी पढ़ने से पहले ट्रांजेक्शन आना चाहिए लोग पता है क्या करते हैं डैड बुक उठाया और याद करना चालू क्लियर ट्रांजेक्शन ही नहीं सीखा तो टैक्स क्या सीखेंगे सर उस उसपे क्लियर इसलिए यू शुड गो विध राइट अप्रोच इसलिए ध्यान इधर तो इसलिए आप देखना मैं हर एक पॉइंट में आपको एग्जाम्पल देता हूं वो ट्रांजेक्शन सिखाने के लिए बेटा आपको <coughs> क्योंकि ट्रांजेक्शन एक बार समझाना चाहिए कौन किसको पेमेंट कर रहा है क्यों कर रहा है क्या सप्लाई हो रहा है भाई जीएसटी से टैक्स हो ना ट्रांजेक्शन सर सर, मान लो मान लिया। मैं क्या बनाता हूं सर बस ये एनर्जी बनाए रखना सर मजा आ जाएगा सर मैं अपनी डबल एनर्जी बना के आपको पढ़ाऊंगा सर ओके सर मैंने क्या बनाया सर ब्रेम नाउ दीज मार्कर अब मैं तो मार्कर बेचता ही बेचता बेटा मैंने क्या किया बेटा आपने कुछ एजेंट अपॉइंट किए एग्जाम्पल के लिए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म सी एंड एफ एजेंट या और भी इस तरह के कई सारे पचास तरह के एजेंट के नाम सर मैंने कुछ एजेंट अपॉइंट किए वो क्या करते हैं बेटा? बेटा आगे ओके okay. सुनना बात को ध्यान से बी वेरी केयरफुल क्या होता है बच्चों मैंने मार्कर बनाया मैंने आगे एजेंट को मार्कर दिया गुड्स वहां तक पहुंच गया कहा पहुंच गया बेटा एजेंट के में अभी कस्टमर आएगा एजेंट के दुकान पे आएगा एजेंट के शोरूम पे आएगा एजेंट के आउटलेट पे आएगा वहां इन्होंने क्या किया कस्टमर को मारकर बेचा बेचो बेच दिया अब अब कस्टमर ने एक मिनट दो मिनट समझना बेटा मारकर जब परचेज किया इनसे एजेंट ने बिल लिखा होगा बेटा इसको बात को समझने की कोशिश करना यही डिफरेंस है बेस्ट एजेंट ने जो बिल लिखा अगर उस एजेंट ने जो बिल इशू किया वो खुद नाम के नाम का बिल इश्यू कर दिया किसके नाम का बिल इशू किया बेटा मतलब सप्लायर का जो नाम होता ना बेटा ऊपर उस पर नाम किसका लिखा बेटा एजेंट ने खुद का नाम लिखा बेटा इट मीनस कस्टमर को गुड्स किसने बेचा बेटा यहां तक पहुंच गए क्या बेटा आप लोग भाई अब जब इसने अपने नाम का बिल बना के कस्टमर को बेचा इट मीन बेचा किसने एजेंट ने बेचा अच्छा एजेंट वो गुड्स को बेच कर सकता है जब वो गुड्स एजेंट का होगा भाई आप ताजमहल बेच सकते हो क्या बेटा यार समझना बात से ताजमहल आपका होगा तो बेचेंगे ना यार क्लियर माय पॉइंट इज कस्टमर को बिल लिखा है तो सर इसका और खुद के नाम का बिल इशू किया मतलब उसने खुद ने सप्लाई किया बेटा कस्टमर को तो गुड्स उसका होगा तो बेचेगा ना यार तो ऐसे केस में जब प्रिंसिपल के यहां से कहां से बेटा तीज़. प्रिंसिपल के यहां से जब एजेंट यहां गुड्स गया होगा कहां से बेटा प्रिंसिपल के यहां से एजेंट यहां जब गुड्स गया होगा तब एक्चुअली प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स बेचा नहीं था बेटा वो तो उसके रखवाया था कि तेरे यहाँ कस्टमर तू ही बेच देना भाई पर इसने क्या किया खुद के नाम का बिल इशू किया बेटा तो ऑन रिकॉर्ड्स तो ये दिख रहा है ना कि इसने गुड्स बेचा कस्टमर को बेटा तो ऑन रिकॉर्ड जब मेरे यहाँ से इसके गया गुड्स तब ये भी होना चाहिए कि इसने परचेज किया बेटा अरे हाँ ना भाई इसलिए उसको पैरा नंबर थ्री में कवर करके बोल दिया कि प्रिंसिपल से जब एजेंट के जाएगा तो सप्लाई के स्कोप में कवर हो जाएगा ऑल दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन आई रिपीट सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वेयर एजेंट गुड्स ऑन बिहाफ़ ऑफ़ प्रिंसिपल और ये वेर एजेंट कब बेटा? जब एजेंट कस्टमर को जो इनवॉइस इश्यू कर रहा है वो खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है मतलब समझ लो कि एजेंट ने कस्टमर को बेचा तो एजेंट ने प्रिंसिपल से खरीदा बेटा हाँ ना बेटा तो ऐसे केस में क्या होगा प्रिंसिपल से जब एजेंट के यहां जाएगा

आधा भी नहीं हुआ है ठीक है वन फोर्थ हुआ है आराम से है, हले हले अच्छा ऐसा पढ़ाई करना है कि एरर फ्री काम हो लाइफ टाइम ओके क्वेश्चन कितना ही घुमा के घुमा फिरा के पूछ ले आने दे सर, कोई तकलीफ नहीं है सप्लाई ऑफ गुड्स क्या सर बाय प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट अच्छा ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको सामने दिख रहा है ना बेटा गुड सप्लाई ऑफ गुड्स

सर प्रिंसिपल के यहां से गुड्स गया एजेंट के पास बेटा कहां गया बेटा एजेंट के पास प्रिंसिपल के यहां से गुड्स कहा गया बेटा एजेंट के पास नाउ व्हेन एजेंट इज सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर व्हेन द एजेंट इज सेलिंग द गुड्स टू कस्टमर तो वो जो इनवेस्ट इश्यू है ना बेटा वो मेरे नाम का बिल इशू कर रहा है मेरी एक बिल बुक वही पढ़ी बेटा मेरी एक बिल बुक वही पड़ी है। तो जब मैंने मेरे से गुड्स भेजा उसके बाद उस एजेंट ने जब कस्टमर को गुड्स बेचा बिल दिया होगा बेटा दिल नहीं बिल सर बिल दिया होगा बेटा अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि जब इनवॉइस इश्यू किया होगा किसने उस एजेंट ने कस्टमर को

भाई मेरे नाम का बिल अगर कस्टमर को इश्यू हो रहा है मतलब कस्टमर को ऑन रिकॉर्ड गुड्स बेचा किसने सर प्रिंसिपल ने हा है ना तो प्रिंसिपल ने कस्टमर को बेचा है, बेटा प्रिंसिपल ने तो इसको बेचा ही नहीं बेटा तो जब प्रिंसिपल से गुड्स एजेंट क्या जा रहा था वो सप्लाई के नहीं आएगा ऐसे केस में कोई टैक्स इन्वेस्ट इश्यू नहीं होगा मेरे यहां से जब गुड्स वहां जाएगा तो केवल एक डिलीवरी चलान क्या बोला सर डिलीवरी चलान मतलब रास्ते में मान लो कोई गाड़ी पकड़ ले बेटा तो कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना यार अगर सप्लाई होता तो टैक्स इन होता बेटा साथ में सप्लाई नहीं होता तो डिलीवरी चालाना एक डॉक्यूमेंट होता है कस्टमर हाँ हो को में नहीं जब एजेंट के ऐसे को तो कि नहीं, बेचा है को और केस में प्रिंसिपल क्या कर देगा बेटा जीएसटी पे करेगा उस टाइम पे जब एक्चुअली सप्लाई हुआ बेटा हा ना भाई क्योंकि उस टाइम पे मेरे नाम का बिल इशू हो रहा है कहानी सारी मैकेनिज्म की बेटा क्लियर समझे मेरी बात केस नंबर थ्री बेटा केस नंबर थ्री बोल दूंगे बेटा मैं आपको आवाज यार केस नंबर बेटा मान लो क्या नाम सर प्रथम सर एक तुम कॉमर्स के हमेशा प्रथम सर सुनना प्रथम भाई सुनना रहे। अब मेरे भाई सर ये भी एजेंट है बेटा मैं क्या बेचता हूं बेटा गुड्स मैं क्या बनाता हूं बेटा मार्कर्स। ब्रांड नेम अभी पॉइंट है बेटा ये जो मार्कर मैंने बनाया है बेटा इसकी एजेंट है बेटा अब ये क्या करते हैं सुनना कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं जिन भी कस्टमर्स को मार्कर खरीदना होता है उन कस्टमर को मेरे यहां लेके आते हैं क्लियर? और मैं मार्कर उन कस्टमर को बेच देता टेन लाख रुपए का मार्कर बेचा मान लो उसमें टेन परसेंट एक लाख रुपए इसका कमीशन बेटा ये प्योरली कमीशन का बिल लिख देगा बात खत्म बेटा यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हुआ बेटा मैंने दस लाख का गुड्स बेचा किसको बेचा आवाज यारी

मैं एक ऑक्शनियर हूं बेटा कौन बेटा में ऑक्शनियर क्या करता है बेटा हाँ, बोली बेटा है वेरी गुड लगवाता ठीक है ना आपको भी कभी कोशिश करनी करा लेना बेटा सर मान लो क्या करता है बेटा बोली लगवाता है बेटा ऑक्शन करवाता है बिडिंग करवाता है बेटा क्लियर सर मैं मान लो एक ऑक्शनियर हूं बच्चा आप मान लो आर्टिस्ट हो आपने पेंटिंग बनाई बेटा भाई।, भाई।, भाई सर अब पॉइंट ये कि उन पेंटिंग का ऑक्शन में करवाता हूं बेटा करो और जितनी पेंटिंग बिकेगी उसका एक परसेंटेज कमीशन मेरे को मिलेगा बेटा क्लियर अभी पॉइंट ये मेरा आपसे कि जब पेंटिंग बना के मैं पेंटिंग तो ये बना रहे बेटा ये हो गया प्रिंसिपल मैं हो गया कौन एजेंट एक तरह से मैं ले रहा हूं बेटा अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि सर जब मैं ऑक्शन करता हूं सक्सेसफुल बीडर मान लो सर मैडम क्या नाम आपका गुंजन सर गुंजन ने क्या किया पेंटिंग परचेज कर तो पे? पे बिल किसके नाम का इश्यू हुआ बेटा अगर अगर जो आर्टिस्ट था जिसकी पेंटिंग थी बेटा उसी के नाम का बिल बनके कस्टमर को गया तो तो क्या हुआ बेटा ऐसे केस में डायरेक्ट प्रिंसिपल ने हाँ अगर जब ऑक्शनियर ने बेचा था गुंजन को रुपीज फाइव में यहां गुंजन को जो बिल इश्यू किया वो ऑक्शनियर ने इश्यू किया खुद के नाम का बेटा किसके नाम का सर खुद के नाम का इट मीन सोल्ड गुंजन एजेंट बेटा क्लियर तो ऐसे अगर मैं इसको गुड्स बेच रहा तो मैंने किससे खरीदा होगा बेटा प्रिंसिपल तो ये प्रिंसिपल ने जब गुड्स मेरे को दिया था जीएसटी का, का और सर मैं अपना बिल बनाऊंगा किसके नाम का कस्टमर गुंजन का नाम का बेटा हा ना भाई अरे क्लियर डन तो सप्लाई ऑफ ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू इज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल यहां तक बात समझ तो में आई क्या खुद के नाम का बिल इशू करा तो मान लेंगे क्वेश्चन भले सी एंड एफ एजेंट का नाम कहा जाए कोई कमिश्नर एजेंट बोल दे कोई ऑप्शनियर बोल दे कुछ भी बोल दे क्लियर सर कहानी केवल बिल की बेटा समझ में आया बच्चों आपको ये क्लियर आप देख लेना कस्टमर को बिल जो जा रहा है वो किसके नाम का जा रहा है कौन इश्यू कर रहा है बेटा ठीक है मालिक क्लियर जिसके नाम का बिल जा रहा है ये समझना कि उसने सप्लाई किया कस्टमर को उसके बाद आपको समझ आ जाएगा जा कि शेड्यूल वन में कवर है कि नहीं है पक्का मान लो सर गुड क्या नाम बेटा हाँ हा बोलना अंशुमान करेक्ट अंशुमन ना ओके सर भाई सर मेरी फैक्ट्री जो है बेटा मार्कर्स की उसके लिए रॉ मटेरियल प्लास्टिक काम आता है बेटा क्या काम आता है मालिक प्लास्टिक अब रॉ मटेरियल प्लास्टिक जो काम आ रहा है हमारे अंशुमन भाई की सर परचेजिंग पावर बहुत जबरदस्त है बेटा ये जिस सर जिस क्वालिटी का प्लास्टिक परचेज करता और जिस प्राइसिंग में परचेज करा वो कोई कंपीट नहीं कर सकता सर तो हमने इसको एजेंट अपॉइंट कर दिया टू परचेज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फैक्ट्री बेटा क्लियर ये परचेजिंग एजेंट है बेटा एक साथ इतनी किस बेटा सर अपॉइंट ये कि मान लो सर सर अगर हमारे अंशुमन भाई ने हमारे अंशुमन भाई ने मेरे बिहाफ पे रो मडल परचेज किया ध्यान से मेरे बिहाफ पर रो मडल परचेज किया और मेरे को दिया बेटा नाउ माय पॉइंट इज दैट जब इन्होंने रो मडल परचेज किया था जब इन्होंने रॉ मटेरियल किया था मान लो आरजे सप्लायर आरजे सर खरीदा और मेरे को सप्लाई किया अब आरजे सर से जो बिल इशू करवाया था वो इस एजेंट अंशुमान ने बोला कि सर मेरे नाम का बिल इशू करो बेटा तो आरजे सर ने बिल इश्यू किया किसके नाम का बेटा अंशुमान के नाम का बेटा क्लियर और अंशुमान ने फिर वो गुड्स मेरे यहाँ मेरे यहाँ भेजा होगा बेटा अरे हाँ है ना भाई तो एक तरह से क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे ऑल दो इज माय एजेंट ऑल दो इज माय एजेंट पर सर एक तरह से ऋषभ सर से परचेज किसने किया बेटा अंशुमान ने और अंशुमान ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया ना यार क्लियर तो सर ऐसे केस में जब अंशमन एजेंट से प्रिंसिपल क्या है गुड्स आएगा तो ये मान लेंगे कि एजेंट ने क्या किया बेटा प्रिंसिपल को सेल किया प्रिंसिपल को सप्लाई किया और सप्लाई के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा जीएसटी क्लियर तो सर वापस सुनना बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स क्या बोला सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वे एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव दुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो ऐसे केस में सर क्या होगा बेटा सर प्रिंसिपल एजेंट क्या प्रिंसि जब आ रहा है तो मान लेंगे सप्लाई हो गया बेटा यस ए नो पर आरजे सर ने जो इन्वेस्ट इश्यू किया था वो अंशुमन भाई को जो बिल दिया ना बेटा वो मेरे नाम का बिल दिया बेटा मतलब उसमें कस्टमर का नाम डाट किस कर बेटा मंगल तो इसमें बीच में एजेंट का रोला रह गया बेटा कोई तो डायरेक्ट आरजे सर ने मंगल को सप्लाई किया बेटा हाँ है ना भाई तो यहाँ पे तो एजेंट अपना जो कमिश्न है उसका कमिश्न का बिल लिख देगा बात खत्म बेटा बोलो यस सर मतलब सारी कहानी बिलिंग की है बेटा क्लियर समझे मेरी बात भली प्रिंसिपल टू एजेंट हो या एजेंट हो प्रिंसिपल हो? कुछ आ रहा कि जा रहा हंड्रेड बेटा अरे क्लियर ठीक सर आई रिपीट सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई के स्कोप में आएगा और सप्लाई के स्कोप में क्या लगेगा बेटा जीएसटी यस यस या या नो नो अरे पक्का बच्चों हंड्रेड परसेंट डन सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर

एक और एग्जांपल दो बेटा मैं हां पक्का चलिए सर एक और एजेंट का मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे डेल क्रेडर एजेंट का आपने नाम सुना होगा बच्चों डेल क्रेडर एजेंट डीसीआर डीसीए नाम सुना आपने कभी बेटा क्या करता है डीसीए बेटा हाँ जी बैड डेट की गारंटी लेता है बेटा पेमेंट की गारंटी लेता है एक तरह से बेटा उसकी वजह से उसको कुछ कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाता है बच्चे अरे हां ना भाई चलो मैं उसका एक लाइव एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं मजा आएगा जीएसटी के कितना बेटा ओके okay, बच्चों ठीक अच्छा इस जीएसटी का थ्योरी सब्जेक्ट इस जीएसटी का थ्योरी सब्जेक्ट इट्स हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता है केवल और हां ना भाई आधे लोग तो प्रैक्टिकल का मीनिंग समझ ही नहीं पाते सर क्लियर प्रैक्टिकल का मतलब होता है प्रैक्टिकल मार्केट ओरिएंटेड बेटा है हाँ ना यहाँ जो आप ट्रांजेक्शन देख रहे हो बेटा अब यहाँ पे रिलायंस का नाम लिख दो जियो का नाम लिख दो टाटा का नाम लिख दो ना यार। इसलिए, इसको बोलते करना बेटा क्वेश्चन ऑन प्रैक्टिकल बेसिस प्रैक्टिकल बेसिस।, बेसिस का मतलब ये नहीं आपको जीएसटी पोर्टल खोल के बता देंगे बेटा आप मुझे बताओ आप एग्जाम के अंदर जीएसटी पोर्टल आएगा क्या बता रिटर्न कैसे फाइल करते हो क्या कंप्यूटर देंगे क्या नहीं बच्चों प्रैक्टिकल का चीज का मतलब समझिए आप क्लियर ये होता है प्रैक्टिकल बेटा ओके इट्स हाईली प्रैक्टिकल क्लियर प्रैक्टिकल क्यों है आपको समझ में आया बेटा आपको ये मैं फर्स्ट डे बात करता हूं शायद आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा शायद अब समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है सर हाँ ना भाई ओके मान लो डेल क्रेडर एजेंट डीसीए सर सर ध्यान देना बेटा ट्रांजेक्शन सीखना बहुत जरूरी बेटा मालिक सर क्या नाम समर्थ okay. समर्थ भाई दो मिनट दो मिनट बस बस कंट्रोल अब समर्थ भाई ने क्या किया बेटा सुना मैं मान लो मार्कस बनाता हूं बेटा हूं करो रे सर मैंने मार्कर्स बनाए ब्रेम अब सरकार मैंने मार्कर बना के हमारे समर्थ भाई को दिए बेटा ही इज माई एजेंट क्लियर अब ये एजेंट है मार्कर सप्लाई करते बेटा कई सारी कंपनीज की इन्होंने एजेंसी ले रखी बेटा अब सर इसके पास बहुत पैसा है बेटा इसके पास बहुत पैसा है अब हमारी इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि उधार दोगे तो माल खरीदेंगे और अपन उधार नहीं देते बेटा क्लियर समझना दो मिनट बात को ध्यान से अब इसने कस्टमर को गुड्स बेचा और कस्टमर को इसने तीन महीने का उधार दिया क्रेडिट दिया बेटा कितने मंथ का बेटा थ्री इज गिवन अ अट ऑफ थ्री मंथ टू दी कस्टमर्स एंड गुड्स ही रूपीजर हूं करो कितने बेटा वन करोड़ का बेटा जल्दी मत करना ट्रांजेक्शन समझ में आएगा तो अपने आप जीएसटी समझ में आएगा बेटा आपको तो बुक कर दूंगे बेटा यह समझ में ऐसे ही बेटा चलेगा है ना मैं चाहता हूं आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा इधर हो, माहौल के साथ बेटा सरकार यहां क्या हुआ कि जब मैंने गुड्स एजेंट क्या भेजा कस्टमर बोलते तीन महीने का उधार चाहिए सर मैंने कहा नहीं यार उधार में आई एम नॉट कंफर्टेबल तुम दो पैसा भी ले लो बेटा इसने बोला साहब अच्छा नॉर्मली मान लो कमीशन पांच परसेंट इसका कितना बेटा फाइव परसेंट पेमेंट मैं आपको आज देता हूं चलो कस्टमर कभी भी दे यू डोंट केयर मैं पेमेंट आपको आज दे रहा हूं मेरा कमीशन बढ़ा दो सर मैन का डन सेवन कमीशन बेटा

कस्टमर से क्या बात करी बेटा इसने वन परसेंट पर मंथ यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट अब कस्टमर ने इनसे वन सीआर का गुड्स खरीदा बेटा वन करोड़ का बेटा वन करोड़ का वन परसेंट कितना होता बेटा वन लेख तीन महीने का कितना हो बेटा थ्री लैक्स कस्टमर ने इनको तीन महीने बाद पेमेंट किया वन करोड़ थ्री लेख्स का बेटा हूं <laughs> करो सर सर मैं अभी जीएसटी नहीं पड़ रहा बेटा आपको है ना मैं आपको जो ट्रांजेक्शन पढ़ा रहा हूँ वो सीख रहा बेटा पहले पहले बिजनेस सीखिए ट्रांजेक्शन सीखिए टैक्स तो एक मिनट में, में समझा दूंगा बेटा मैं सरकार कस्टमर से वन कितना बेटा? वन थ्री अच्छा कस्टमर इनको तीन महीने बाद पेमेंट किया ना बेटा कितना है इनके पास एक करोड़ तीन लाख पर मेरे को तो इसने पेमेंट कब किया बेटा डे वन पे कर देता बेटा डे वन पे इसने मेरे को पेमेंट कितना बेटा पूरा वन करोड़ बेटा नहीं नहीं यार अच्छा इसके मेरे बीच की की मैं तो एक करोड़ पे वन पे इसने, इसने कस्टमर को उधार दिया कस्टमर से कितना लिया बेटा इसने एक करोड़ तीन लाख रुपया अब क्वेश्चन आता है क्या सर अब क्वेश्चन आता है क्या सुना ध्यान से लास्ट में मोबाइल नहीं हाँ साइड में रख सरकार अच्छा एक रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट वैसे तो आप सबका ध्यान एंड रियली 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 दिस क्लास है ना पर फिर भी आ, आप लोग कोशिश करा करो कुछ लोग मोबाइल फोन टेबल पे भी नहीं रखने का कोशिश करो ये इनफैक्ट साइलेंट मोड मतलब कंप्लीट साइलेंट मोड कोई वाइब्रेशन वगैरह भी नहीं है बेटा क्लियर क्या होता है कई बार पॉकेट में पड़ा है वाइब्रेशन हुआ आपका जो यहाँ क्या होता है बेटा अपना एक माहौल बनाते बेटा एक ओरा क्रिएट होता है सर यहाँ पे क्लियर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब आप हुए ना बेटा तो आप उस ओरा से बाहर निकल गए बेटा क्लियर मैं चाहता हूँ उस ओरा से आप बाहर नहीं निकले बेटा ठीक है बाकी मेरा काम है सर बाकी कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको ये मेरी गारंटी सर आपसे बस आपका मोबाइल फोन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बेटा ओके रिक्वेस्ट कैन रिक्वेस्ट मजा आएगा आपको सर ऐसा सर पता है कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा ले लगेगा और ऐसा शानदार तरीके से हम बाहर आ जाएंगे मजा आएगा सर आपको वो मेरा काम है सर वो मेरी एक्सपर्टीज है सर, ओके? हम के अब मैंने अपने डेल क्रेडर को गुड्स दिया वन करोड़ में इसने आगे कस्टमर को वन करोड़ में बेचा पर उसके अगेंस्ट इसने तीन लाख तीन लाख रुपए इंटरेस्ट भी ले लिया वन करोड़ लाख रुपए इसने कलेक्ट कर लिया बच्चों क्लियर नाउ माय पॉइंट इज दैट कि सर तीन लाख रुपए जो इंटरेस्ट आया है ये वैल्यू का पार्ट बनता कि नहीं बनता सर दिस इज द क्वेश्चन दो मिनट अभी मेरे को आंसर नहीं चाहिए बेटा आपसे क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बेटा सुनना आप ध्यान से अब मैं इसके लिए एक प्रोविजन आपको पढ़ाता हूं बेटा जो वैल्यूएशन के सेक्शन में फिफ्टीन सब सेक्शन टू क्लोज में डी में आता है बेटा चैप्टर नंबर फोर में आएगा बेटा पर वो यहां रिलेवेंट आ रहा है इसलिए बता रहा मैं आपको सेक्शन नंबर फिफ्टीन सब सेक्शन टू क्लोज नंबर डी में लिखा हुआ है क्या कि अगर किसी सप्लायर ने दिल को ध्यान से थाम के बैठना अगर किसी अगर कोई गुड से सर्विस सप्लाई करी अपने कस्टमर को और कस्टमर से अगर उसने ओवर एंड अबाउट द प्राइस ओवर एंड अबाउट द प्राइस कोई इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्जेस लेट पेमेंट फी ब्ला 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 के नाम से कुछ भी कलेक्ट किया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा वो भी और पूरी वैल्यू पे जीएसटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑल्सो बेटा क्लियर मतलब ये है कि अगर मैंने एक करोड़ का माल सप्लाई किया आपको तीन लाख रुपए इंटरेस्ट अगर आपसे लिया है मैंने अगर मेरे कस्टमर से आई रिपीट बार बार मैंने अगर मेरे कस्टमर से अगर इंटरेस्ट लिया है तो वो इंटरेस्ट भी वैल्यू का पार्ट बनेगा और एक करोड़ तीन लाख पूरे पे जीएसटी लगेगा ये मैंने प्रोविजन का अभी मैं डीसी से लिंक नहीं करा बेटा दो में आराम से बात करेंगे ना जल्दी तो नहीं नहीं आपको बेटा मेरे को भी नहीं सर अभी जीवन में बहुत वक्त मजा आया बेटा अपने पास अभी तो जिंदगी शुरू हुई ऐसे खत्म करूंगा बेटा मजा ही मजा आ जाएगा सर आपको मतलब जिंदगी नहीं टॉपिक बेटा सर मान लो बहुत अच्छा बेटा अगर किसी सप्लायर ने अगर किसी गुड्स बेचा है कस्टमर को ओवर एंड अबाउट उसे इंटरेस्ट लिया है लेट पेमेंट चार्जेस लिए तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा और पूरे एक करोड़ तीन लाख पे जीएसटी लगेगा अगर सप्लायर ने अपने कस्टमर से इंटरेस्ट लिया तो बेटा हाँ है ना भाई यहां तक बात समझे क्या अरे यहां तक बात समझे क्या अरे क्लियर पक्का ओके okay, मान लो पता है बता कि का आपको है, बता था आपको। पता हिंदुस्तान में लोग कितने होशियार बेटा? इतने जबरदस्त माहौल जबरदस्त शानदार सर्विस में तो लोगों ने खूब मज़े लिए बेटा मैंने एक्सरसाइज में जब मैं था बेटा, में पहले भी बनता था मार्कर बेटा

और एक्साइज पहले पे करते थे केवल किस पे पंद्रह लाख पे पहले एक्साइज में सर्विस टैक्स में ऐसा हुआ करता था कि अगर इंटरेस्ट फॉर डिलीट पेमेंट है तो ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनता था इंटरेस्ट पे कोई एक्साइज इंटरेस्ट पे कोई सर्विस टैक्स नहीं था तो लोग इस तरह से मज़े लेते बेटा बोले इतने जोरदार लोग थे बेटा हिंदुस्तान में बेटा मतलब उन्होंने क्या किया बेटा प्राइस को डिवाइड कर दिया बेटा आधा प्राइस तो प्राइस के नाम पे लिया आधा प्राइस इंटरेस्ट के नाम पे ले लिया और इंटरेस्ट पे कोई सर्विस टैक्स है इंटरेस्ट पे कोई एक्साइज था नहीं क्योंकि वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता था बेटा हाँ है ना क्लियर तो लोग मजे लेते थे बेटा इसलिए गवर्नमेंट जब जीएसटी लेके आई बहुत ही सोच समझ के लेके आई और बोलते दिमाग खराब मत करना मंगल अगर आपने आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी और अगर आपने अपने कस्टमर से इंटरेस्ट रिकवरी किया है ओवर एंड अपर द प्राइस वी डोंट केयर whether it is a genuine interest or not we don't care that interest will also form part of value of supply और उस पे भी जीएसटी लगेगा अगर आपने कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई करी तो बेटा हाँ है ना भाई ये समझ में आया कि नहीं आया सर ये समझ में आया कि नहीं आया मालिक <coughs> यहां तक पहुंच गए बेटा अब सर

वन करोड़ थ्री लाख लगेगा एक करोड़ तीन लाख को जीएसटी पे करना पड़ेगा भारत माता की जय यहां तक समझ में आएगा बेटा आपको ठीक सर मान लो सर <coughs> सेकंड केस यहां तक क्लियर बेटा आपको चलिए सर मान लो मैंने आपको लोन दिया है करोड़ रुपए का बेटा क्या दे बेटा लोन कितने का बचा है क्या कोई गुड्स बेचा है बेटा कोई सर्विस बेची बेटा मैंने क्या दिया आपको बेटा लोन? मनी दिया है बेटा? तीन महीने के लिए बेटा? कितने का बेटा क्या मैंने कोई गुड्स बेचा बेटा आपको क्या सर्विस बेची मैंने आपको बेटा क्लियर सर हाँ मनी लेंडिंग इज अ सर्विस मनी लेंडिंग इज अ उसके अगेंस्ट मेरे को कंसिडरेशन मिला तीन लाख रुपए का बेटा

तो लोन पे अगर इंटरेस्ट अन होता है बेटा क्या बोला सर जल्दी बोलो लोन पे अगर इंटरेस्ट होता है किसी कस्टमर को गुड्स बेचा होता कस्टमर को सर्विस दी होती और उसने मेरे को पेमेंट लेट किया इसलिए मैंने उसे इंटरेस्ट या लेट पेमेंट चार्जेस कलेक्ट कर लिए ऐसे तो केस में वो लोन का इंटरेस्ट नहीं बेटा हा है ना

तो लोन देने पे अनुवा तो उस पर इंटरेस्ट तो उसपे जीएसटी नहीं लगता पर यही अगर गुड्स और सर्विस सप्लाई करिए आपने और कस्टमर से प्राइस लेट आया उसकी वजह से अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो वैल्यू का पार्ट बनेगा और उसपे जीएसटी लगेगा यहां तक क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन नंबर वन डेल एजेंट डीसीए सी क्रेडिट एजेंट नहीं क्या क्या बेटा आराम से समझना पहले ट्रांजैक्शन सीख लो लॉ मैंने पढ़ा दिया आपको लॉ मैंने पढ़ा दिया है अब पहले ट्रांजैक्शन सीख लो ट्रांजैक्शन सीखोगे उसके बाद लॉ अप्लाई करेंगे मिक्स जल्दी मत करना बेटा आप कब कौन सी बात कहनी मैं बोलूंगा बेटा आप मेरे साथ चलते जाओ ना मेरे साथ आगे ना पीछे ओके सर मेरा पॉइंट आपसे ये कि डेल कडर एजेंट को मैंने गुड्स दिया हां है ना भाई मेरे को तो पेमेंट इसने एक करोड़ का आज ही कर दिया बेटा इसने कस्टमर से पेमेंट तीन महीने बाद लिया बेटा तीन महीने बाद पेमेंट किया ट्रांजेक्शन क्लियर बेटा क्वेश्चन नंबर वन जब इस दल एजेंट ने कस्टमर को बिल लिखा अगर खुद के नाम का बिल इश्यू किया होता हूं करना पड़ेगा देखो अगर समझ है बात पहुंच रहा है अब तक तो हाँ नहीं हो पा तो हूं करना पड़ेगा अगर ये डीसी ने जो कस्टमर को बिल इश्यू किया अगर खुद के नाम का बिल इश्यू किया होता इट मींस कस्टमर को गुड्स बेचा किसने बेटा ढंग से आवाज आ रही है? डीसी ने गुड्स किसको बेचा बेटा कितने में वनस इतना पर कस्टमर ने पेमेंट लेट किया बेटा इसलिए उसने ओवर एंड अबव द प्राइस क्या कलेक्ट करा इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट कितना ना। और कस्टमर से अगर ओवर एंड अबव द प्राइस कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट करता तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई बेटा और ऐसे केस में जीएसटी कितना लगेगा बेटा पूरे एक करोड़ तीन लाख पे और एक करोड़ तीन लाख पे जीएसटी कौन पे करेगा बेटा हमारा डीसीए कस्टमर से लेके डीसी पे करेगा बेटा हाँ ना भाई आ, कोई डाउट अच्छा ऐसे केस में गुड्स गया होगा आ, वो तो सप्लाई हो गया होगा बेटा वो शेड्यूल में कवर हो गया बेटा उस पर जीएसटी लग जाएगा और जब डीसी कस्टमर को गुड्स बेचेगा तो ऐसे केस में एक करोड़ तीन लाख पूरे पे जीएसटी लगेगा बेटा हाँ ना भाई आ, यहां तक क्लियर है क्या केस नंबर टू मान लो अगर जब एजेंट कस्टमर को बिल लिख रहा है जब डीसीए कस्टमर को बिल लिख रहा है खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है किसके नाम का बिल इशू कर रहा है बेटा? मतलब अच्छा तो सॉरी ये तो मैं बता चुका हूं बेटा केस जब एजेंट डीसीए कस्टमर को गुड्स गुड्स बेच रहा है तब प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है अरे किसके नाम का बिल इशू कर रहा बेटा अब अगर प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है कौन इट मींस कस्टमर को बेचा किसने इट मीन्स कस्टमर को गुड्स बेचा किसने बेटा अब प्रिंसिपल ने कस्टमर को गुड्स बेचा है प्रिंसिपल को कितने रुपए मिले बेटा एक करोड़ किसने दिए डीसी ने दिए बेटा किसके ब्याह पे दिए कस्टमर के ब्याह पे बेटा हा है ना भाई आ, तो प्रिंसिपल ने गुड्स बेचा कस्टमर को प्रिंसिपल का कस्टमर कौन कस्टमर एजेंट नहीं है ना है हाँ ना भाई आ, वैल्यू कितना बेटा उस पर जीएसटी लग गया बेटा हा भाई आ, अब यहां डीसी ने क्या किया बेटा एक तरह से एक करोड़ का लोन दिया कस्टमर को बेटा क्योंकि प्रिंसिपल ने तो कस्टमर को बोला था पेमेंट आज कर प्रिंसिपल ने कस्टमर को क्या बोला बेटा कस्टमर ने एजेंट से बात करी भैया आज पैसा नहीं तीन महीने बाद दूंगा एक बार आप पे कर दो ना हाँ है ना भाई तो एक तरह से एजेंट ने उस कस्टमर को क्या दिया बेटा लोन दिया बेटा कितने का लोन दिया आवाज सर का बेटा सीआर पर उसने कितना इंटरेस्ट किया बेटा थ्री लाख रुपए का अब आप मुझे बताओ इस केस में क्या इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनता है क्या इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट कब बनता है जब सप्लायर ने कस्टमर से वो इंटरेस्ट रिकवरी किया बेटा नहीं उसका तो वैल्यू कितना था वन सीआर था बात तो बेटा पर सर यहां पे इस केस में इंटरेस्ट रिकवरी किया किसने बेटा एजेंट ने एजेंट क्या है सर केवल एजेंट बेटा यहां पे वो खुद सप्लायर नहीं है एक तरह से उसने एक करोड़ का लोन दिया किसको बेटा कस्टमर को तो डेल क्रेडर एजेंट ने किसने बेटा डीसीए मतलब डेल क्रेडर एजेंट ने क्या किया बेटा लोन दिया कस्टमर को वन सीआर का उस पर तीन लाख रुपए का क्या आया इंटरेस्ट आया और जैसे ही इंटरेस्ट आया उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि लोन देने पे जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता हाँ या ना यस हाँ। yes, या नो हाँ। क्लियर तो डीसीए के थ्रू जब आप गुड्स बेचते हो डीसी मतलब समझते बेटा क्या होता है क्या होता है बताना डेल क्रेडर एजेंट तो डेल क्रेडर एजेंट ने जब गुड्स कस्टमर को बेचा होता है तब कस्टमर से ओवर एंड अबो द प्राइस इंटरेस्ट और रिकवरी किया होता क्या हो, क्या होता बेटा अब क्वेश्चन में एक लाइन में पूछूंगा और मेरे को दो लाइन आंसर चाहिए बेटा आपसे क्लियर जब डेल क्रेडर एजेंट ने कस्टमर को गुड्स बेचा था उससे एक करोड़ पे तीन लाख रुपए ओवर एंड अबाउट द प्राइस इंटरेस्ट रिकवरी किया विल दैट इंटरेस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई नॉट एक करोड़ के साथ जो तीन लाख रुपए उसने लिया है वो तीन, तीन लाख रुपए जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा दिस इज द क्वेश्चन बताओ आंसर दो लाइन में बेटा फर्स्ट लाइन यस अगर अगर एजेंट ने खुद के नाम का बिल इश्यू किया है मतलब अगर वो शेड्यूल वन में कवर है कहा कवर है बेटा

सर किसने का पढ़ाई बोरिंग होती है बेटा क्लियर सर मजा आना चाहिए सर आपको हाँ ना सर डन बस वो दिल तक बात पहुंचनी चाहिए सर क्लियर पता है कंक्लूजन तो कल दो लाइन का था बेटा ये पर यहां तक पहुंचने के लिए दम लगाना पड़ता है बेटा क्लियर तो ध्यान रखिए बेटा लोग क्या करते हैं कंक्लूजन याद करते हैं हम कंक्लूजन पर अराइव होते हैं अरे क्लियर है पक... सर पक्का आवाज नहीं आ रही नंबर नंबर थ्री खत्म होता है अब देख लो सर बुक के अंदर ये पेरा नंबर थ्री ये दो लाइन मैंने आपको पढ़ाई बेटा अभी लास्ट एक घंटे में सर मजा आया कि नहीं बच्चा क्लियर सर देखो पता है नंबर ऑफ पेज के, के आपने कितना पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है उस पर मजा आना चाहिए सर ओके हाँ ऑल दो जो मैंने आपको पढ़ा है वो सब एनालिसिस मैंने दे रखा है बुक के अंदर देखिए आप ध्यान से ये रहा आपका पेरा नंबर थ्री की शुरुआत बेटा ठीक है मैंने फर्स्ट टाइम में लिखा क्या वेयर द इनवॉइस फॉर सप्लाई इज बाय द एजेंट इन हिज ओन नेम ने हाय भाई क्लियर जो मैंने आपको समझाया है वो ही मैंने यहां पे एब्सोल्युटली लिखा हुआ है बेटा ओके बेटा फिर ये देखिए किसके नाम का बिल इशू हो रहा है अगर प्रिंसिपल के खुद के नाम का बिल इशू हो रहा है तो शेड्यूल नंबर वन में कवर नहीं हुआ एजेंट के नाम का बिल इशू हुआ तो ऐसे केस में प्रिंसिपल टू एजेंट जब जाएगा शेड्यूल नंबर वन में कवर हो गया बच्चा ना भाई अच्छा ये देखिए ये चार एग्जाम्पल मैंने दे रखे वन टू थ्री फोर वाला पॉइंट बेटा सेम वे ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेटा एपीएमसी मार्केट का नाम सुना गया आपने बेटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बोर्ड मंडी जिसको बोर्डी अनाज मंडी मार्केट यार्ड है यस हाँ ठीक है अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है बेटा मार्केट यार्ड हो गया बेटा

जिसको हिंदी में बोलते हैं आड़तिया आड़तिया आड़त आड़त का काम था ना बड़ा आड़त आ, आड़तिया बोलते हैं, ठीक है समझना कमिशन एजेंट क्या बोलते सर उनको कमिशन एजेंट आड़तिया बेटा सुनना ये होशियारी अच्छा ये बातें मैं आपको इसलिए समझाता हूँ बच्चों क्योंकि नेक्स्ट छह महीने बाद यू विल बी इन टू दी मार्केट बेटा समझे मेरी बात ये चीजें आपको आनी चाहिए बच्चों ओके सुनना <coughs> सर माय पॉइंट इज दैट एपीएमसी मार्केट में कमीशन एजेंट हूं बेटा मैं ऑक्शनर हूं बेटा वहां पे क्या होता है किसान आते हैं उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ऑक्शन में करवाता हूं और वहां पे कस्टमर जो बिडिंग करते हैं बेटा वो जो सक्सेसफुल बिडर होता है उसको बिल में अपने नाम का इश्यू करता है बेटा मैं अब मैं खुद के नाम का बिल इशू रहा बेटा मैं तो सर प्रिंसिपल तो हो गया कौन किसान फार्मर

जो में कवर होते हैं, उनको कंपलसरी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन है, है उनको क्या है सर? कराना पड़ता है उनको कल पड़ा था आपको लाख का बेनिफिट होता है सर, की है, सर, रजिस्ट्रेशन लिमिट होती वो भी अप्लाई नहीं होती बेटा क्लियर ये सारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है कहान में, में बेटा जस्ट हिंट दिया मैंने आपको ओके

ओके <coughs> uh, okay, जो वीडियो क्लासेस में जिनको बुक अभी डिलीवर नहीं हुई है बेटा मैं गूगल ड्राइव पर आपको एक चैप्टर नंबर टू का पीडीएफ शेयर करता हूं बेटा ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यस डेफिनेटली विल डू अभी हो जाएगी आपके पास ओके थैंक यू सर थैंक यू गूगल ड्राइव का जो लिंक आपके पास आया होगा उस पर आप चेक करना पीडीएफ मिल जाएगा आपको अभी एक दो घंटे के अंदर बेटा ओके थैंक यू सो मच बे जैनल माहौल मतीन मुगुत प्रखर थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट बाय बाय प्रिया बाय थैंक यू शिवम ऑल द बेस्ट लव यू टेक केयर बाय 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 बड़ी ऑल द बेस्ट